नंबर वन सीटेड बारबल शोल्डर प्रेस। यह कंपाउंड एक्सरसाइज शोल्डर के फ्रंट और साइड डेल्टॉइड को टारगेट करने के साथ साथ ट्राइसेप और अपर चेस्ट मसल को भी टारगेट करती है। इसमें बैक के सपोर्ट वाली बेंच पर बैठ जाए और बारबल को शोल्डर की चौड़ाई से थोड़ा वाइड ग्रिप से पकड़ ले। बैक को सीधा और अपनी कोहनी को आगे करते हुए बारबल को तब तक ऊपर की ओर सीधा प्रेस करें जब तक कि आपका पूरा हाथ सीधा ना हो जाए। फिर धीरे धीरे बारबल को अपने अपर चेस्ट तक नीचे लेकर आए। सही वेट का सिलेक्ट करते हुए 8 से 12 रिपीटेशन के इसके 4 सेट करें। नंबर 2 सीटेड डंबल फ्रंट रेजेस। शोल्डर को राउंडेड लुक और आइसोलेट बनाने के लिए इससे शोल्डर का फ्रंट डेल्टॉइड मसल टारगेट होता है। इसमें आप एक बेंच पर बैठ जाए, बैक को सीधा और अपने पैरों को जमीन पर स्टेबल रखते हुए लाइटवेट डंबल को दोनों हाथों में अपने साइड की ओर पकड़ ले। हाथों को सीधा और कोहनी को हल्का सा बेंड रखते हुए डंबल को बारी बारी से या फिर एक साथ अपने सामने की ओर तब तक ऊपर उठाए जब तक कि डंबल शोल्डर लेवल तक ना आ जाए। फिर धीरे धीरे उसे नीचे लेकर आए। 12 से 15 रिपीटेशन के इसके 3 सेट करें और हर एक सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर ले। नंबर 3 बारबल अपराइट रो। शोल्डर को 3D और वाइडर लुक देने के लिए अपराइट रो एक बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे आपका साइड डेल्टॉइड और ट्रेपेजियस मसल टारगेट होता है। स्ट्रेट बारबल या फिर इजी बार को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर ओवरहेड ग्रिप से पकड़कर सीधे खड़े हो जाए। लाइटवेट प्लेट का इस्तेमाल करते हुए बारबल को अपने चीन की ओर सीधा ऊपर खींचे, फिर धीरे धीरे उसे नीचे लेकर आए। पूरे मोमेंटम के दौरान बारबल को बॉडी के क्लोज और अपनी कोहनी को कलाई से ऊंचा रखे। सही फॉर्म के साथ इसके 8 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 4 केबल रिवर्स फ्लाई। शोल्डर के पिछले हिस्से को एक बैलेंस और परफेक्ट लुक देने के लिए इससे हमारा रियर डेल्टॉइड मसल टारगेट होता है। इसे आप फ्लाई मशीन या फिर क्रॉस केबल मशीन पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने शोल्डर की हाइट पर क्रॉस केबल मशीन के दोनों तरफ डी हैंडल को अटैच करके क्रॉस हाथों से हैंडल को पकड़कर मशीन के बीचों बीच खड़े हो जाए। अपनी कोहनी को हल्का सा बैंड करते हुए हैंडल को रिवर्स फ्लाई की पोजीशन में बाहर और पीछे की ओर खींचे तो कुछ सेकंड होल्ड करे। रियर डेल्टॉइड मसल को स्क्वीज करे, फिर हैंडल को एक साथ शुरुआती पोजीशन में आगे लेकर आए। लाइटवेट का इस्तेमाल करते हुए 12 से 15 रिपीटेशन के इसके 3 सेट करें। नंबर 5 डंबल श्रग्स, जो कि हमारे ट्रेपेजियस मसल को टारगेट करने के लिए एक सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए आप अपने पैरों को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर फैलाकर सीधे खड़े हो जाए और हैवी वेट डंबल को दोनों हाथों में पकड़ ले। फिर अपने शोल्डर को जितना हो सके उतना सीधा कानों की ओर ऊपर उठाए तो कुछ सेकेंड होल्ड करे। ट्रैप्स मसल को स्क्वीज करे, फिर धीरे धीरे अपने शोल्डर को शुरुआती पोजीशन में नीचे लाए। पूरे मोमेंटम के दौरान अपने बॉडी को स्टेबल रखे। इसके 10 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 6 डंबल लेटर रेजेस। इस शोल्डर वर्कआउट रूटीन को स्ट्रॉन्ग तरीके से फिनिश करने के लिए हम डंबल लेटर रेजेस को एज ए फिनिशिंग के तौर पर परफॉर्म करेंगे, जिससे हमारा साइड डेल्टॉइड मसल टारगेट होता है। इसमें आप दोनों हाथों में लाइटवेट डंबल को लेकर खड़े हो जाए। अपने हाथों को सीधा और कोहनी को हल्का सा बैंड रखते हुए डंबल को अपने साइड में तब तक ऊपर उठाए जब तक कि डंबल आपके शोल्डर लेवल तक ना आ जाए। फिर उसे शुरुआती पोजीशन में नीचे लाए। पूरे मोमेंटम के दौरान बॉडी को सीधा और साइड शोल्डर मसल पर फोकस बनाए रख के 12 से 15 रिपीटेशन के इसके 3 सेट करें।